ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज से समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए आवेदन लेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर राजनीतिक समीकरण और जिताऊ प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इच्छुक प्रत्याशी 19 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 के बीच आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन जिलों के आवेदन रिजल्ट आने के बाद लिए जाएंगे। साथ ही जिन जिलों में सपा के मौजूदा विधायक हैं, वहां से भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावों के लिए वर्तमान विधायकों और उपचुनाव के उम्मीदवारों की सीटों को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा की सीटों के चुनाव के लिए ही आवेदन आमंत्रित कर रही है। आइए उत्तर प्रदेश के जनहितकारी चतुर्दिक विकास के लिए एकजुट हो जाएं। #सपा का काम जनता के नाम। दरअसल अभी विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी से ही जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुट गए हैं। साथ ही राजनीतिक समीकरण की पहले से ही आकलन कर प्रत्याशियों का चयन करना चाहते हैं। यही वजह है कि 1.5 साल पहले से ही टिकट को लेकर वो काफी सजग नजर आ रहे हैं। टिकट के दावेदारों को कहा गया है कि वो सोमवार से अपना बायोडेटा पार्टी कार्यालय में जमा करें। उनका दम उनका काम पर रखने के बाद पार्टी नाम तय करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दिए हैं कि सिटिंग विधायकों का टिकट सुरक्षित है। पार्टी 2022 के चुनाव में उन्हीं के भरोसे मैदान में उतरेगी। यही वजह है कि उन जिलों से दावेदारों के आवेदन नहीं लिए जाएंगे जहां से उनके विधायक जीते हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भी कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी हर जिले में DM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगी। हालांकि उन जिलों में ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा जहां उपचुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।